नमस्कार, मैं रोज साधु सुंदर सिंह। एक ऐसा नाम जिसको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा, यहाँ वहां से कुछ कुछ बातें जानी होंगी। आज मैं आप लोगों को उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि साधु सुंदर सिंह की जीवनी पर आधारित ये किताब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बूस्ट करे और हमारे विश्वास को बढ़ाए। ऑडियो बुक की खासियत यही है कि आपको बुक पढ़ने का मेहनत नहीं करना है, बस वीडियो ऑन करना है और अपना काम करते करते, गाड़ी चलाते या आराम से बैठकर भी आप मेरे साथ ये बुक पढ़ सकते हैं। बस करना इतना है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग तो समझदार हो ही, कर लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साधु सुंदर सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। वे पंजाब प्रांत की पटियाला रियासत के रामपुर कब्जे में पैदा हुए। उनके पिता सरदार शेर सिंह जी अपने कस्बे के एक धनी जमींदार थे। उनके विशाल खेत थे और उनका जीवन बड़े ठाट का था। उनकी पत्नी बड़ी पूजा पाठ वाली स्त्री थी, जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ व भगवत गीता का निरंतर अध्ययन करती रहती और अपने भक्ति भाव के कारण उस कस्बे में भक्तिन के नाम से प्रसिद्ध थी। 3 सितंबर 1889 को इस दंपति को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुंदर रखा। सुंदर के परिवार में बड़ा हर्ष का वातावरण बन गया था। घर में एक छोटा बच्चा आ गया था, जिसे देखने बहुत से लोग आए और बड़ा उत्साह मनाया गया। साधु जी अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। अब सुंदर धीरे धीरे पिता के घर में अपनी माँ के देखरेख और ममता के आंचल में बड़ा होने लगा। चूंकि सुंदर की माता बड़ी आध्यात्मिक स्वभाव की थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही सुंदर को गुरु ग्रंथ साहिब व भगवत गीता पढ़ाना और सिखाना प्रारंभ कर दिया। सुंदर की माँ ने उसे सुबह स्नान करके, पाठ करके ही नाश्ता आदि खाने की ना समझी में ही आदत डाल दी थी। वह कहती, पहले ईश्वर को खोजो, फिर अन्य वस्तुएं। उनकी माँ उन्हें कहती, अपने भाइयों के समान संसारिक व्यक्ति ना बनना, सच्चे साधु बनना। सुंदर को केवल 7 वर्ष की आयु में ही भगवत गीता मुखाग्र हो गई थी। उसकी माँ उसे कई साधु महात्माओं के प्रवचन सुनाने लेकर जाती थी। कुछ महिलाएं जो अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च की थी, उनकी माँ से धार्मिक वार्तालाप करने आती, जिन्हें वह बड़े प्रेम से ग्रहण करती थी। एक बार गुरुद्वारे के बाहर वह कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, परंतु उसका मन खेलने में नहीं लगा और वह जाकर एकांत में बैठ गया। तब सुंदर ने एक सिख योद्धा को अपने लिए यह कहते हुए सुना कि यह एक योद्धा कभी नहीं बन सकता। एक घटना और उसके जीवन में घटी। वह अपनी माँ के साथ जंगल में एक साधु के दर्शन करने गया और उस साधु को अपनी माँ के कहने से गीता पाठ बोलकर सुनाया। तब उस साधु ने उसकी माँ से कहा, यह भी कभी साधु बन जाएगा। तभी से सुंदर के मन में यह आवाज गूंजती रही। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे के इन सब क्रियाकलापों को, जो दूसरे बच्चों से भिन्न थे, एक पुरोहित पर प्रकट किया। तो पुरोहित ने कहा, मैं भी इसके बारे में ठीक से नहीं कह सकता, क्योंकि यह दूसरों से भिन्न है। यदि यह हमारी जाति पर कलंक ना लगाए तो अवश्य ही यह किसी दिन महान पुरुष बनेगा। सुंदर बचपन से ही सत्य का खोजी था। ईश्वर को प्राप्त करने और मोक्ष संबंधी अनेक सवाल उसके मन में उपजते थे। वह उन सवालों को कई साधु संन्यासियों से पूछता। उसके प्रश्नों को सुनकर कई बार वे उसे टाल देते और गोलमाल उत्तर देते, परंतु वह उससे संतुष्ट नहीं हो पाता था। परंतु और भी जिज्ञासा व अस्थिरता उसके मन में उत्पन्न हो जाती थी। सुंदर की माताजी ने प्रारंभ से ही उन्हें पाप से दूर रहना और पीड़ितों दुखियों की सहायता करना सिखाया था। एक दिन उनके जीवन में एक घटना घटी। वे बाजार गए, तब बाजार में उन्होंने ठंड से कुकड़ते हुए एक गरीब वृद्धा को देखा, जो भूखी थी और ठंड से मर रही थी। वे वापस आने घर आए और अपने पिता से उसकी सहायता करने एक कंबल खरीद देने का प्रस्ताव रखा, जिससे वह ठंड से मरने से बच जाए। परंतु उनके पिता ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि मैंने उसकी बहुत सहायता की है, अब दूसरे लोगों को भी उसकी सहायता करनी चाहिए। जब सुंदर ने यह जानकर कि उनके पिता उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसने चुपके से अपने पिता की जेब में से 5 रुपए चुरा लिए। उनके पिता उनसे कहीं अधिक अपने जेब के बारे में जानते थे। उन्होंने बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुमने पैसे लिए?
तो सुंदर ने झूठ तो बोल दिया, परंतु रात भर उनका मन चोरी करने और झूठ बोलने के लिए उन्हें कचोड़ते रहा। उन्हें नींद नहीं आई। वे सुबह उठकर अपने पिता के पास गए और अपने पाप का अंगीकार कर क्षमा मांगी, पैसे वापस दिए। अचानक से ही उनके मन से पाप का बोझ हल्का हो गया। उनके पिता ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मेरे पुत्र, मैंने सदैव तुम पर विश्वास किया और अब मेरे पास इसका प्रमाण है कि मैं गलत नहीं था। और उनके पिता ने खुश होकर उस स्त्री के लिए कंबल खरीदने के लिए 5 रुपए दिए। इस तरह पाप की शक्ति पर और उनके अंतर मन पर उनकी विजय हुई। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अंतर्द्वंद की विजय से जीते युद्ध 1000। बोलो सद्गुरु यीशु प्रभु की जय। सुंदर के पिता के मन में उस पुरोहित की कही बातें उबाल मारती जो उसने सुंदर के बारे में कही थी। सुंदर के पिता सोचते, मैं सुंदर को किस प्रकार से एक संपन्न और योग्य पुरुष बना सकता हूँ जिससे घराने का नाम ऊंचा हो और जाति पर कलंक भी ना आए। अब सुंदर जवान हो चला था। वह अब 7 वर्ष का बालक नहीं बल्कि जवान हो रहा आकर्षक युवा हो रहा था। अपने मित्रों से विचार विमर्श करके सुंदर के पिता ने उसका दाखिला रामपुर में नए खुले प्रेसिबिटेरियन मिशन के स्कूल में करवा दिया। सुंदर रोजाना स्कूल में जाने लगा। इस स्कूल में रोज बाइबल पढ़ना होता। सुंदर ने देखा कि उसके धर्म ग्रंथों से यह पुस्तक मेल नहीं खाती थी और इसे पढ़ने में उसमें रुचि भी जागृत नहीं होती थी, तो उसने बाइबल पढ़ने का विरोध कर दिया। वह अपनी शिक्षिका के कहने पर भी अपनी कक्षा में बाइबल पठन करने नहीं जाता था। वह अपने धर्म से प्रेम करते थे और जब इसके बारे में सोचा तो आग से भर गए। वहां उसने अपने जैसे ही विरोधियों का एक समूह तैयार कर लिया और स्वयं अगुआ बन गया और खुल्लम खुल्ला मसीहों का विरोध करने लगा। बाजारों में जब मसीही प्रचारक प्रचार करते तो वह और उसके साथी सुनने वालों पर धूल फेंकते थे और प्रचारकों पर पत्थर फेंक उन्हें भगा देते थे। इस बात से उसके माता पिता अनजान थे। इस तरह की हिंसा की शिक्षा उसकी माँ ने नहीं दी थी और उसका पिता भी सभी धर्मों को समदृष्टि से देखता था। उसके मन में ईसाइयों के प्रति इतनी घृणा हो गई कि उसने अगले वर्ष उस स्कूल को छोड़कर सोनवाल गांव में एक सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवा दिया जो उसके गांव से 3 मील दूर था। एक बार एक विदेशी पादरी की छाया सुंदर पर पड़ी तो उसने उसकी अपवित्रता से छुटकारे को पाने के लिए 3 घंटे तक स्नान किया। एक दिन की बात है, उसने अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब से एक नए नियम की प्रति मांगी और अपने सब दोस्तों को बुलवा भेजा यह कहकर कि आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यीशु तथा उसकी पुस्तक के बारे में क्या सोचता हूँ। 16 दिसंबर 1904 की शाम को उसके सारे मित्र उसके घर में आकर बैठ गए। वह अंदर से लकड़ी और मिट्टी का तेल ले आया और आग जला दी। आग बहुत तीव्र हो जाने पर वह नए नियम के एक एक पन्ने फाड़ कर जलाने लगा। आग जलती देख उसके पिताजी उसकी ओर भाग कर आए। उन्होंने देखा वह मसीहों की पुस्तक जला रहा है। उन्होंने सुंदर को देखकर चिल्लाया, बेटा यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या कहती? वह तुम्हें रोकती और कहती यह बड़ी अच्छी पुस्तक है। परंतु सुंदर ने अपने पिता की ओर सर उठाकर भी नहीं देखा और उस आग में नए नियम के पन्ने डालता ही रहा। उसके सब साथी इस बीच वहां से चले गए। यह घटना साधु जी के 14 वर्ष की आयु की है जब उनकी माता जी का देहांत हो चुका था। साथ ही उनके बड़े भाई भी चल बसे थे। इस घटना के बाद वे विक्षिप्त से हो गए थे, मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उनके जीवन में दुख का सागर उमड़ पड़ा था। साधु सन्यासी और योगियों की संगति भी सुंदर के मन में शांति ना ला सकी। वह अत्यधिक प्यासा हो गया, उसका मन बेचैन हो गया सत्य को पाने के लिए। बाइबल को जलाने पर सुंदर यह सोचकर बड़ा प्रसन्न था कि उसने बहुत अच्छा और बड़ा काम किया, परंतु इस काम को करने के बाद उसका मन बड़ा अशांत हो गया। उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। 3 दिनों तक उसने ना कुछ खाया था और ना ही उसे बराबर नींद ही आ रही थी। जिस शांति की खोज करने उसकी माँ ने उससे कहा था, उस शांति की खोज वह जीवन के अंत तक नहीं कर सकता था। उसने निश्चय किया कि यदि उसे शांति प्राप्त ना होगी
तो वह अपना अंत सुबह 5 बजे ट्रेन की पटरी पर लेटकर कर लेगा। तीसरे दिन 8/12/1904 सुबह 3 बजे उठकर सुंदर ने स्नान किया और आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना किया और यह कहकर कि यदि सच में कोई परमेश्वर है वह स्वयं को मुझ पर प्रकट करे और मुझे उद्धार का मार्ग बताए और मेरी आत्मा की बेचैनी को दूर करे। और इस प्रार्थना के बाद उसने दृढ़ निश्चय किया कि यदि उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो वह सुबह की ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या कर लेगा।